पाकिस्तान की सच्चाई किसी से छिपी हुई नहीं है। अब ऐसे में पाकिस्तान के नेता और मंत्री दोनों की जुबान कुछ ऐसी हो गई है कि जनता के जख्मों पर मरहम लगाने की जगह वो और उसे हरा करने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ वक्त से महंगाई के हालात बेकाबू हो चुके हैं। रोजमर्रा की चीजों के अलावा खाने की वस्तुओं के दाम भी आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान के नेता ने इस दौर में आवाम को निराश और हताश करने वाला एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान मामलों में संघीय मंत्री अली अमीन गंडापुर ने बढ़ती महंगाई के मद्देनजर लोगों को सलाह दी है कि चाय में कम चीनी डालकर और कम रोटी खाकर जीवन चलाना चाहिए। सोशल मीडिया पर उनका ये बयान काफी वायरल हो रहा है। जाहिर तौर पर इमरान खान के ये होनहार मंत्री इमरान खान की बताई हुई बातों को फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण इमरान की तरह ही गुरु घंटाल वाला बयान वो पाकिस्तान की जनता को दे रहे हैं। एक सभा को संबोधित करते हुए अली अमीन ने महंगाई की बहस के दौरान राष्ट्रवाद की दुहाई देते हुए लोगों से कहा कि अगर मैं चाय में चीनी के 100 दाने डालता हूं और 9 दाने कम डालूं तो क्या चीनी कम मीठी हो जाएगी? क्या हम अपने देश के लिए, अपनी आत्मनिर्भरता के लिए इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकते? अगर मैं रोटी के 100 निवाले खाता हूं तो उसमें क्या 9 निवाले कम नहीं कर सकता हूं? ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के किसी नेता ने पाकिस्तान की जनता को कम खाने की सलाह दी है। इससे पहले भी ऐसी सलाह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री देते रह चुके हैं। दरअसल साल 1998 में पाकिस्तान ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था। पाकिस्तान के इस परीक्षण के चलते इस देश पर पश्चिमी ताकतों द्वारा आर्थिक प्रतिबंध का खतरा भी मंडरा रहा था। इसी खतरे को देखते हुए नवाज शरीफ ने लोगों को रेडियो से संबोधित करते हुए कहा था कि आप लोगों को सिर्फ एक वक्त का खाना खाने के लिए तैयार रहना होगा और इस परेशानी में मैं भी आपके साथ रहूंगा। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान की जो मौजूदा इमरान खान सरकार है वो भले ही अपना धुर विरोधी नवाज शरीफ को मानती हो, लेकिन नवाज शरीफ वाला ही एजेंडा वो लागू करने की कोशिशों में जुटी हुई है। जाहिर तौर पर इमरान खान अब मीडिया के सामने आके कुछ भी कह दें, लेकिन उनकी मंत्री वही जुबान कह रहे हैं जो इमरान ने कभी ना कभी उन्हें सिखाया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।